दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। माँ, हम आपके लिए एक सरप्राइज लाए हैं। मैं आपको तो यकीन है नहीं हो रहा, तुम्हारे सामने खड़े हो। बेटा हमसे बात करो ना, चुप काहे खड़े हो, हमसे बात करो। हमारे कान जो है ना, तुम्हारा मीठा आवाज सुनने के लिए तरस गया है। खो बेटा। ये कौन है? वो आज मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तो अगर आप में से कोई मुझे मेरा रूम बता दे तो मैं जाके। कहाँ जाने का काम मतबल है, तुम अपना कमरा में जाओगे। सिस्टी बहुरानी, बिशु को अपना कमरा में ले जाओ। बहुत ही मुश्किल का घड़ी आया तुम्हारे ऊपर, और इस सवाल का जवाब तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक तरीका है इस दुविधा से निकलने का। एक तरफ पहचो और दूसरी तरफ देवर जी, और दोनों ही अपनी जगह जगह सही है। तुम सही कह रहे हो रागिनी, लेकिन हमने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया है। लाइए, मैं बना देता हूं। क्या हुआ, मैं आपका पति हूं ना? मैडम जी, हमको आपसे बहुत जरूरी बात करना है। जब विशु जी के आसपास होती है ना, तो हमारा खून जलता है अंदर। सब मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आए हैं, लेकिन तुमने? वो आपका गिफ्ट सरप्राइज है ना? नो, I hate surprises. अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सरप्राइज मिला है। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और बाबूजी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मिस्टर जी, आपको याद है हम एक बार आपके लिए लव लेटर लिखे थे? हाँ, और मैंने फ्रेम भी की थी। उसका एक एक शब्द जो है ना, वो अपने दिल से लिखे थे हम, और आज ना वो सारे शब्द जो है ना, वो और भी गहरे हो गए। बेटा, ये हमारे तरफ से छोटा सा तोहफा है। थैंक यू। हमारा आशीर्वाद बेटा। अब देवर, पहले मैं लाया हूँ, पहले मैं दे दूँ? देवर जी को गिफ्ट देने की बहुत एक्साइटमेंट है। हम तो कुछ लाए नहीं है। अच्छा देवर जी, आपके लिए सबसे पहले तो ये घड़ी और ये प्यारी सी बुक, जिसको आप पढ़ के बहुत मस्त हो जाएंगे। थैंक यू। और देवर जी, हम आपके लिए ना तो फ्लावर ही ले आए। थैंक यू। विशु भैया, हैप्पी बर्थडे। आपके फेवरेट टूल्स। थैंक यू। अरे विशु बाबू, हम तो गिफ्ट लाना ही भूल गए, लेकिन हर साल के जैसे ना, ई लो, महंगे से महंगा ना गिफ्ट खरीद लेना। अरे ले लो भाई, हर साल तुमको देते हैं हम जन्मदिन पे। दिस इज नॉट फेयर चाचू, आप हर साल पैसे देते हो, इस बार आपको गिफ्ट लाना चाहिए था। कहाँ है गिफ्ट? अरे तो अपने मन पसंद का खरीदेगा ना वो। पापा, आपका गिफ्ट? हम सोचे कि हम अगर कुछ ले आए और विशु बेटा को पसंद ना आया तो फिर मजा नहीं आएगा। अब विशु बेटा जो बोलेगा हम वो अभी ला देंगे। क्या बेटा? अरे यार, अरे शिष्टी, तुमने कहाँ रखे हैं यार कपड़े? सॉरी। बाबूजी देखिए मिश्र जी कितना सुंदर साड़ी लाया है हमारे ऊपर। अच्छा लगेगा ना हमारे ऊपर? हाँ, बहुत प्यार करते हैं हमसे। ऐसा लग रहा है ना, इसको पहन के ना एकदम गुलाब का फूल लगेंगे। देखें,
है ना एकदम लल्लनटा। आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, हम ना भैया आते हैं, ठीक है? अरे वाह वाह वाह, ई गिफ्ट गिफ्ट है जीजा जी। जीजा जी, हाय गजब। पहन के जब तुम जाओगी उनके पास तो बिना बंदूक के गोली के एकदम घायल हो जाएंगे। अरे ससुरा तुम हाथ पे हिट करेगा रे, हाथ पे हिट कर जा। पागल हो गया, बाबूजी के सामने कुछ भी बोलते हैं। अब इसमें पागल वागल का क्या लेना देना है। हेलो का, तुम जो कह रहे हो वो एकदम पक्की खबर है? तुम रुको, वहीं रुको रुको, हम पे अभी आ रहे हैं, ठीक है? अब सुनो, वो 5 मिनट में आते हैं बस। अरे अरे सुनो सुनो, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे घर में पार्टी होने वाला है और तुम जा रही हो बाहर, कैसे चलेगा भाई? अरे तो कौन सा हम जन्मों के लिए जा रहे हैं? सुनो, तुम अगर मिस्टर जी या कोई भी पूछना तो बोलना कि बस 10 मिनट में आती हैं, बस यही बोल दो। ध्यान रखो बाबू जी का। हाँ हाँ ले। हमारे घर में आके हमारी जेठानी को ऐसा कुछ नहीं कह सकती। तुम्हारी जेठानी के बारे में बात नहीं कर सकते, तुम्हारे बारे में तो कर सकते ना। आगे आप तुम्हारे जैसी निर्लज औरत हमने पूरे जिले में नहीं देखी। देखिए आगे तो दो पति का सुख ले रही हो और ऊपर से हमें सुना रही हो। राधे कृष्ण को अपने बाल स्वरूप में देख आशीर्वाद देने वृंदावन पधारते हैं महादेव तथा माता पार्वती। कूटनाग को कान्हा का अंत करने हेतु वृंदावन भेजता है कंस। स्वयं को जगत पालक कहने वाले उस विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए एक बालक रूप में अवतार लिया है। यदि तुम उस बालक कान्हा का अंत कर देते हो तो विष्णु का अस्तित्व संसार से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। मैं एक हॉटलाइन फोन सर्विस शुरू करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसकी आवाज दिल में चाशनी की तरह उतर जाए। मेरे पास एक आवाज है जो शहर के सोए मर्दों के अरमानों को जगा देगी। काश हमारी जिंदगी में कोई लड़की आ जाए। ये समझो कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसी महिला आ चुकी है। क्या है वो? नंबर लो और शैला से बात करो। हेलो मेरे अजीज, मेरे लजीज, मेरे खबीज, दिस इज शैला। सामने हमारे भाई को जलील करोगे, एक-एक को गोली मार देंगे, सबको जमीन में दफना देंगे, खत्म कर देंगे एक-एक को। हमें काम कर रहे हो, पगला गए हो का? छोड़ो, समझ नहीं आ रहा इतना समझाया तुमको, उत्पात लादे पड़े हो। अब हम उत्पात लादे पड़े हैं? उत्पात तुम लादे पड़े हो और हमको ज्ञान बांट रहे हो, मार देंगे एक-एक को गोली। पापा पार्लर की अपॉइंटमेंट आई है। एक लोगों की एड़िया साफ करने वाली को हम भाभी बनाकर राज कराने में तो कभी नहीं आने देंगे। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। आज शाम को हमारा रोका है और अगर आप नहीं आए तब भी रोका तो होगा। तो रसम ये है कि हमने इस थाल में 4 अंगूठियां डाल दी हैं। तो अब आपको इस थाल में हाथ डालकर उस अंगूठी को ढूंढना है, वो भी बिना देखे कि आपकी एंगेजमेंट रिंग कौन सी है। I want check your bag. Oh my God, Pushpa, तो किस साथ drugs लेकर आई हो? Mr. Kundra, आपके लिए एक बहुत बुरी खबर। चलो कम से कम एक अच्छी खबर तो मिलने जा रही है मुझे।